विदिशा में बेतवा नदी का पानी खतरे के निशान से महज 10 फीट नीचे बह रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने नदी किनारे बसी बस्तियों पर अलर्ट जारी कर दिया है। विदिशा में बेतवा नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 10 फीट शेष बचा है, जिसके चलते कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बेतवा नदी के पुल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भोपाल के डैम और दूसरे डैमों का जलस्तर बढ़ने के बाद खोले गए गेट के साथ साथ विदिशा रायसेन क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी इसमें और ज्यादा इजाफा होने की आशंका है। एहतियात के तौर पर बेतवा नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के रिहायशी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। पूरे रीजन में अतिवृष्टि की स्थिति है और नदी के जो अपस्ट्रीम वाले जो एरियाज हैं, जो कैचमेंट वाले एरियाज जो हैं, उसमें भी अतिवृष्टि हुई है और मौसम का जो पूर्व अनुमान भी है, अभी ये अतिवृष्टि और होने वाली है। उसके क्रम में आज हम लोग यहाँ पे निरीक्षण करने पहुँचे हैं। बेतवा पुल पे आप देख पा रहे हैं कि जो छोटे जो रपट है उसके ऊपर से पानी जा रहा है, वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जो आसपास के घाट्स हैं, जो मंदिर हैं, उन सभी के रास्ते अभी बंद कर दिए गए हैं और एहतियातन रूप से उनको सुझाव दिया गया है कि कोई यहाँ पे अभी किनारे ना आए, क्योंकि पानी जो है वो गति काफ़ी तेज़ है और हमें सभी को भी ये सूचित कर दिया गया कि पानी का जो नदी के पास किसी को आना नहीं है। बराबर नज़र रखी जा रही है और जो भी एडवाइजरी जा रही हैं उसका पालन किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।